So we are doing chapter Life in Desert, and in this you have read about Hot Desert, and today we are going to read about Cold Desert, that is Ladakh. So Ladakh is the coldest desert in the सबसे cold desert. अगर hottest desert की बात करें तो that is Sahara. Cold desert in the world अगर हम पूरी बात करें कि सबसे cold desert कौन सा है तो that is Ladakh. अब Ladakh है कहाँ पे? It lies in the Greater Himalayas. Greater Himalaya means upper part of the Himalayas in Himadri range. Yeah, Greater Himalayas in Himadri range. So Ladakh lies in Greater Himalayas. First of all, तो आपको ये बताना चाहिए, ठीक है? फिर आपने कहना जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ना, that lies towards the west of Ladakh desert. ये आप पहले लोकेशन ध्यान से सुनो. No need to cram. आप सिर्फ मैप से इसको समझ के कर लो. इट लाइज इन ग्रेटर हिमालयस, ठीक है? फिर आपने बताना है जम्मू टूवर्ड्स द, आप कहोगे टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वाली साइड है ये. इज इट क्लियर? फिर आपने कहना है टूवर्ड्स द नॉर्थ देयर इज काराकोरम रेंज. नॉर्थ में काराकोरम रेंज है एंड साउथ में जंस्कर, ये देखो साउथ में जंक्सर रेंज. Towards the north, there is Karakoram range, mountain range. Towards the north, कौन सी range है? Karakoram. And towards the south, Zanskar. Towards the south, Zanskar. South में कौन सी range है? Zanskar. Now learn it. South में Zanskar. I'm going to locate here. Zanskar. South में आप कहोगे Zanskar range. In south there is Zanskar range and towards the north there is Karakoram range. Listen carefully. Lies in Greater Himalayas. Towards the, आप कहोगे eastern side of Jammu and Kashmir. Towards the north कौन सी range है? Karakoram range. And towards the south Zanskar range. अब आपने बताना है various rivers flow through this desert, but the most important is river Indus. ये देखो, this is the river Indus. The various rivers flows through this desert, but इनमें से सबसे important मैंने कौन सी बोली है? River Indus. River Indus is the main river that flow through this region. Now is it clear? अब location एक बार आप फिर देख लो. Lies in Greater Himalayas towards the eastern side of Jammu and Kashmir. Towards the north, there is Karakoram range. Towards the south, there is Zanskar range. फिर आपने बताना है several river flows through this region, but the most important जो आप कहोगे ना, that is कौन सी river है? That is Indus River. तो Indus is the main river that flows through this region. तो यहाँ पे जो रिवर है ना, वो बहुत सी वैलीज और साथ में हम कहेंगे यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर्स भी हैं. गैंगरी ग्लेशियर इज आल्सो देयर, साइचिन ग्लेशियर इज आल्सो देयर, एंड ले इज द कैपिटल. ले इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख. यहाँ पे है ले इज द कैपिटल. विच इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? ले इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख. यहाँ पे है ले. ठीक, साइचिन ग्लेशियर, गैंगरी ग्लेशियर एंड ले इज द कैपिटल. तो हाउ टू राइट? आपने बताना लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. इट लाइज इन ग्रेटर हिमालयस. फिर आपने कहना टूवर्ड्स द कौन सी साइड? टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर. टूवर्ड्स द नॉर्थ देयर इज काराकोरम रेंज. टूवर्ड्स द साउथ देयर इज जंस्कर रेंज. Is it clear? फिर आपने कहना various rivers flow through this region, but the main important जो river है ना, that is कौन सी वाली मैंने अभी बताई है? Indus River. Now is it clear? और फिर आपने कहना ये जो rivers है ना, these rivers form deep valleys. फिर आपने कहना various glaciers are also found, such as Gangri Glacier. क्योंकि बच्चे ग्रेटर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में मोस्टली ग्लेशियर्स ही है, ठीक है?
आपने कहना गैंग्री ग्लेशियर, साइचन ग्लेशियर, ये सब आपको वैसे ही। तो नेक्स्ट अब आपने बताना है यहाँ का क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है इन सहारा डेजर्ट। सॉरी सहारा आप पढ़ चुके हो, अब आपने पढ़ना है क्लाइमेट। यू हैव रेड अबाउट लोकेशन, लोकेशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट। नो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लाइमेट। एक मिनट, ये हॉट डेजर्ट था तो यहाँ पे आपने पढ़ा हॉट एंड ड्राई, तो ये है कोल्ड डेजर्ट। तो अब अपने आप सोचो क्लाइमेट कैसा होएगा, कोल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, वहां पे हमने कहा क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, इधर आपने कहना क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ पे भी ड्राई है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, इधर आपने कहा एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, इधर आप कहोगे क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, क्योंकि हम खुद ही तो कह रहे हैं कोल्ड डेजर्ट है, तो क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो इधर आपने बताना जो डेज है ना, है ना, ड्यूरिंग डेज एंड नाइट्स यहाँ पे भी वेरिएशन है। तो यहाँ पे आपने कहना है डे टेम्परेचर इन समर, आपने कहना है जस्ट अबव 0 degree एंड द नाइट बिलो -30 degree Celsius। समर्स की बात कर रही हूँ, डे में अगर हम डे में देखें तो टेम्परेचर इज ड्यूरिंग द डे इन समर द टेम्परेचर जो है ना दैट इज अबव 0 degree एंड ड्यूरिंग नाइट इट इज -30 degree Celsius। ड्यूरिंग डे अबव 0 degree and during night -30 degree Celsius, and in winters are freezing cold, winters में तो बहुत कहते हैं freezing cold होती है -40 degree Celsius जो temperature है -40 degree Celsius in winters। Now listen again, extremely climate is extremely cold and dry, day में जो temperature है that is above 0 degree and during night जो टेम्परेचर है दैट इज बिलो -30 degree Celsius एंड इन विंटर्स, ये मैंने समर्स की बात की है, एंड इन विंटर्स देयर इज फ्रीजिंग कोल्ड, विंटर्स में फ्रीजिंग कोल्ड होती है वहां पे, एंड टेम्परेचर जो है दैट इज -40 degree Celsius। -40 degree Celsius चला जाता है यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो दिस रीजन लिटल रेनफॉल, यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, बिकॉज ये जो है ना ये लद्दाख दैट इज इन, ये कौन से एरिया में पड़ता है, आप कहोगे लीवर्ड साइड, लीवर्ड, यू हैव रेड अबाउट विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड, आप पढ़ के आयो रेनफॉल वाला टॉपिक। तो लीवर्ड साइड एंड विंडवर्ड साइड, ये तो हो गया विंडवर्ड साइड, जहां पे रेनफॉल हुई वो कौन सी साइड है, विंडवर्ड। और माउंटेन के जिस रीजन में बारिश नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, लीवर्ड या फिर रेन शेडो एरिया। अब एक मिनट, यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनफॉल, इन दैट यू हैव रेड अबाउट विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड। अब ये क्लाउड्स है, ये माउंटेन से टकराए और बारिश इस साइड हुई सारी, तो ये कौन सी साइड है, विंडवर्ड साइड, इस साइड रेनफॉल नहीं हुई, ये वाली साइड इधर, तो ये लीवर्ड साइड रेन शेडो एरिया, ये रेन शेडो एरिया। तो लद्दाख जो है ना दैट इज रेन शेडो एरिया, लद्दाख रेन शेडो एरिया आता है, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। नाउ इज इट क्लियर, यू हैव रेड बिफोर दिस। तो लद्दाख जो है ना रेन शेडो द हिमालयाज में है, तो इट गेट्स लिटल रेनफॉल, सिर्फ 10 centimeter एवरी ईयर, बस सिर्फ 10 centimeter रेनफॉल होती है इस रीजन में, क्योंकि ये किस पार्ट में आता है, रेन शेडो एरिया में। नो इज इट क्लियर, लद्दाख लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालयास, हिमालयास के रेन शेडो रीजन में आता है, सो दैट्स वाई इट गेट्स लिटल रेनफॉल। मैंने आपको बताया भी लीवर्ड साइड जो है ना, तो दैट्स वाई इट गेट्स लिटल रेनफॉल, ओनली 10 degree, ओनली 10 centimeter रेनफॉल इन द ईयर। अब यहाँ पे फ्रीजिंग जो विंड्स है ना बहुत ठंडी, फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, आप वहां पे कहते लोग हैरान होते हैं वहां पे, अगर आप बाहर बैठते हो ना, इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफर बोथ, सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। अगर आप वहां पे बाहर बैठ जाते हो, अपने पैर जो है वो सन की तरफ करके आराम से बैठते हो, रेस्ट करने के लिए बैठते हो,
तो कहते लोग हैरान होते हैं वहां पे बिकॉज दे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम. मीन्स हवा भी इतनी ठंडी होती है और जो बर्निंग वो कह लो आप सन बर्निंग सनलाइट होती है हॉट बर्निंग हॉट सनलाइट. तो ऐसा वहां पे क्लाइमेट है. तो हाउ टू राइट लोकेशन एंड क्लाइमेट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट लाइज इन ग्रेटर हिमालयस. फिर आपने कहना टुवर्ड्स द ईस्टर्न कौन से साइड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ जंस्कर इन द साउथ. रिवर इंडस फ्लो थ्रू दिस रीजन. फिर नेक्स्ट इट हैज वेरियस ग्लेशियर सच एज गैंगरी ग्लेशियर एंड यहाँ पे साइचन ग्लेशियर. डिपेंड अपॉन योर विश आपने ग्लेशियर्स मेंशन करने हैं. नेक्स्ट आप क्लाइमेट के बारे में अगर आपको पूछे तो आपने कहना क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. इन समर्स जो टेम्परेचर है दैट इज अबव जीरो डिग्री एंड ड्यूरिंग नाइट. डे में अबव जीरो डिग्री एंड ड्यूरिंग नाइट इट इज बिलो -30 degrees Celsius चला जाता है ड्यूरिंग समर्स. वेयर एज इन विंटर इट इज -40 degrees Celsius. इट लाइज इन ये वाला जो एरिया है लद्दाख लाइज इन कौन से पार्ट ऑफ द हिमालय. इन द रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालय. लीवर्ड साइड आता है इस साइड रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालय. सो ड्यू टू दिस दिस रीजन गेट वेरी लिटल रेनफॉल. कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पे पूरे साल में ओनली 10 centimeters बस. तो इट मीन्स ड्राई भी हुआ ना यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई हुआ क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती. फिर हम कहेंगे यहाँ पे विंड जो है वो बहुत फ्रीजिंग कोल्ड ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं पर साथ में सनलाइट जो है ना वो बर्निंग हॉट भी होती है. तो इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू लद्दाख इज आल्सो नोन एज खप्पा चैन. लद्दाख को क्या कहते हैं खप्पा चैन. खप्पा चैन का मीनिंग क्या है स्नोलैंड. इसको खप्पा चैन भी कहा जाता है. खप्पा चैन का मीनिंग है स्नो लैंड क्योंकि हियर लैंड इज कवर्ड बाय स्नो तो इसे खप्पा चैन भी कहते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ की वेजिटेशन फ्लोरा एंड फौना. अब इट इज इन हायर लैटिट्यूड ना. इट इज इन ग्रेटर हिमालयस. इट इज इन हायर एल्टीट्यूड्स. हायर एल्टीट्यूड्स में है तो ग्रेटर हिमालयस में है. इट इज इन हायर एल्टीट्यूड्स तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है. देयर इज स्पेयर्स वेजिटेशन. यहाँ पे क्या होते हैं यहाँ तो ग्रासेस पाए जाते हैं या फिर श्रब्स. ग्रासेस एंड श्रब्स आर फाउंड टू ग्रेज द कैटल बस इतना सा बस वहाँ पे ग्रासेस एंड श्रब्स आर फाउंड टू ग्रेज द कैटल. नो डाउट यहाँ पे पॉपुलर विलो ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड. विलो ट्री यू नो इट वेरी वेल के वुडो विलो ट्रीज यूज टू मेक द फाइनेस्ट बैट्स. बैट्स बनते हैं क्रिकेट बैट. क्रिकेट बैट बनाने के लिए जो अच्छे बैट्स होते हैं ना क्रिकेट बैट वो विलो ट्री की वुड से बनते हैं. तो विलो ट्रीज पॉपुलर ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं. वेरियस फ्रूट ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड हेयर सच एज यहाँ पे फ्रूट ट्रीज भी पाए जाते हैं. एप्पल एप्रिकोट वॉलनट ये वाले ट्रीज भी यहाँ पे पाए जाते हैं. लिसन अबाउट द वेजिटेशन एज इट इज इन हायर एल्टीट्यूड क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड में है ग्रेटर हिमालयस में है. सो देयर इज स्पेयर्स वेजिटेशन. यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है. मोस्टली यहाँ पे ग्रास पाया जाता है या फिर आप कहोगे यहाँ पे श्रब्स पाई जाती हैं टू ग्रेज द कैटल. फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉपुलर विलो ट्रीज ये भी पाए जाते हैं. वेरियस फ्रूट ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड सच एज एप्पल ट्रीज एप्रिकोट्स वॉलनट्स ये वाले फ्रूट ट्रीज भी इस रीजन में पाए जाते हैं. तो नेक्स्ट इज अब आप यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे एनिमल्स कैसे हैं. तो यहाँ पे सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड सच एज रॉबिन्स रेड स्टार्स तिब्बतियन स्नो कॉक रेवन ये कॉमन बर्ड्स हैं दैट आर फाउंड इन लद्दाख. तिब्बतियन स्नो कॉक रेवन रॉबिन्स दीज आर द कॉमन बर्ड्स फाउंड इन लद्दाख डेजर्ट. और ये मोस्टली सम ऑफ द बर्ड्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स. एनिमल्स जो है ना वहाँ पे वाइल्ड गॉट्स हैं वाइल्ड शीप है याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स पाए जाते हैं. यहाँ पे वाइल्ड गॉट्स वाइल्ड शीप याक या फिर यहाँ पे स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स पाए जाते हैं. एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क मीट एंड हाइड्स.
अब यॉक का जो मिल्क है ना, दैट इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर. हेयर ऑफ शीप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वूलन्स. यॉक जो है ना, उसका मिल्क जो है ना, दैट इज यूज्ड टू मेक बटर एंड वेरियस अदर मिल्की प्रोडक्ट्स सच एज चीज. तो जो गोट एंड शीप से वो क्या बनाते हैं, वूल, वूलन क्लोथ्स. फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड गोट, नो व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स फाउंड हेयर. सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेस वेजिटेशन, ग्रासेस, श्रब्स आर फाउंड टू ग्रेस द कैटल. फिर यहाँ पे विलो एंड पॉपुलर ट्री पाए जाते हैं. फिर हम कहेंगे यहाँ पे फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल ट्रीज, एप्रीकोट्स, वॉलनट्स पाए जाते हैं. यहाँ पे हम कहेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, सम माइग्रेटरी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड. आप कहोगे यहाँ पे रेवन, रोबिन, रेड स्टार्ट, स्नो कुक, दीज आर द कॉमन बर्ड्स. फिर यहाँ पे वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, यॉर्क, ये सब पाए जाते हैं. स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स जो कि इतने कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं ना, वैसे फरी एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जिनकी फर होती है. तो इस एरिया में वो एंड यॉर्क, यॉर्क का जो मिल्क है दैट इज यूज टू मेक वेरियस मिल्क प्रोडक्ट सच एज बटर, चीज. फिर गोट एंड शीप के हेयर से वो क्या बनाते हैं, वूलन्स. नो इज इट क्लियर. तो नेक्स्ट इज, अब यहाँ के लोग कैसे हैं. यू हैव रेड अबाउट, फर्स्ट यू हैव रेड अबाउट लोकेशन, देन क्लाइमेट, देन फ्लोरा एंड फौना. नो इज इट क्लियर. नो कम टू पीपल, अब यहाँ के लोग कैसे हैं. ठीक है, मोस्टली यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं ना, या तो वो मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट हैं. मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट मोस्टली यही लोग वहां पे पाए जाते हैं. एंड यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर फाउंड हियर. उनमें से जो मेन है ना, दैट आर हेमिस, थिक्सी एंड लामायुरु. दीज आर द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फाउंड इन दिस रीजन. बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स आर फाउंड हियर एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड हियर. थिक्सी, लामायुरु, ये उनकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं. हेमिस, दीज आर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. अब इन समर पीपल आर बिजी कल्टीवेटिंग बार्ले, पोटैटोस, पीस, बीन्स, टर्निप. अब यहाँ पे जो लोग है ना, समर में कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं. कौन सी क्रॉप्स, टर्निप, बार्ले, बीन्स, ठीक है, पोटैटोस, पीस. ये समर में फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. इन समर पीपल ग्रो फ्यू क्रॉप्स सच एज टर्निप, पोटैटोस, पीस, बार्ले, बीन्स. क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, सेरेमनीज. इतना हार्श क्लाइमेट होता है ना, पर फिर भी वो लोग अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज, सेरेमनीज वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो, वुमेन जो है ना वो बहुत हार्ड वर्किंग है वहां पे. वुमेन सिर्फ घरों में काम नहीं करती, वो फील्ड्स में भी काम करती हैं, छोटे छोटे बिजनेस शॉप्स भी चलाती हैं. अब यहाँ की कैपिटल कौन सी है, ले. ले इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख एंड वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर. नेशनल हाईवेज, जो नेशनल हाईवे है ना, कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास. नेशनल हाईवे ले को कश्मीर से कनेक्ट करती है थ्रू जोजिला पास. नेशनल हाईवे कनेक्ट ले टू कश्मीर थ्रू विच पास, विच माउंटेन पास, जोजिला माउंटेन पास. तो यहाँ की वुमेन कैसी है, हार्ड वर्किंग. सिर्फ वो फील्ड्स में ही वर्क नहीं करती, घरों में ही काम नहीं करती, फील्ड्स में भी वर्क करती हैं, शॉप्स भी चलाती हैं, छोटे छोटे, जैसे आप कहोगे कि वो फील्ड्स में भी वर्क करती हैं, शॉप्स भी चलाती हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी करती हैं यहाँ की वुमेन. तो यहाँ के लोग ड्यूरिंग विंटर वो घरों में बंद नहीं हो जाते ड्यू टू हार्श क्लाइमेट. दे एंगेज देमसेल्व्स इन वेरियस एक्टिविटीज, खुद को बिजी कर लेते हैं एंड इन सेलिब्रेटिंग वेरियस सेरेमनीज या फिर वेरियस एक्टिविटीज, खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं. टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी. अब टूरिज्म यहाँ की मेजर एक्टिविटी है विद सेवरल टूरिस्ट स्पॉट्स.
यहाँ पे गोम्पास हैं, बुद्धिस्ट गोम्पास, बुद्धिस्ट जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गोम्पास में जाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स देखने, उनकी जो ये लोग वेरियस सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं उनकी देखने लायक होती हैं। पीपल विजिट स्पेशली टू एंजॉय देयर सेरेमनीज, टू एंजॉय देयर वेरियस एक्टिविटीज जो ये सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब यहाँ के लोगों की जो लाइफ है ना, दैट इज गोइंग टू बी चेंज। अब यहाँ के लोगों की लाइफ चेंज होती जा रही है, लोग जो हैं, बट फिर भी जो लोग हैं ना, दे लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, सच एज वाटर एंड फ्यूल यहाँ पे कम है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, दे डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनीथिंग, ये लोग कुछ भी वेस्ट करना नहीं चाहते। दे लर्न टू लिव इन लिव बैलेंस्ड लाइफ यहाँ पे, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, यहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है, यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है। तो ये लोग, अब ये लोग सीख चुके हैं लिव इन, हम कहेंगे हार्मनी, पीसफुल वे से रहना ये लोग सीख चुके हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनीथिंग, वो अब कुछ भी वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते। दे लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर, दीज पीपल लिव इन हार्मनी विद द नेचर, वो कुछ भी वेस्ट करना ठीक नहीं समझते। तो दिस इज अबाउट द टोटल, आप कह लो कि लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, लाइफ ऑफ द लोग वो कैसे हैं यहाँ पे, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे लोग जैसे इधर आपने पढ़े थे बेडुइंस एंड तुरेग्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, यहाँ पे आप कह रहे हो मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। और यहाँ पे अगर बुद्धिस्ट हैं तो यहाँ पे उनके मोनेस्ट्रीज हैं, एंड नेम ऑफ फ्यू मोनेस्ट्रीज आर इन द बुक इज गिवन, जैसे कि उन्होंने नेम दिए हुए हैं हामिज, थिक्सी, एंड साथ में आपको कि बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी वहां पे जाते हैं इन मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। तो विंटर सीजन में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इज वेरी हार्श ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो ये लोग घरों में कैद नहीं होके रहते। दीज पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन वेरियस एक्टिविटीज, वो बहुत सारी सेरेमनीज एक्टिविटीज सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। इतनी इनकी अट्रैक्टिव होती हैं वो सेरेमनीज कि मैनी टूरिस्ट विजिट टू एंजॉय दोस इन सेरेमनीज ऑफ द लद्दाखी पीपल, इनकी सेरेमनीज को एंजॉय करने लोग टूरिस्ट जाते हैं। तो टूरिस्ट यहाँ पे क्यों जाते हैं, टूरिज्म इज द मेजर इंडस्ट्री, टूरिस्ट क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, गोम्पास हैं, यहाँ पे लोग वहां जाते हैं, ग्लेशियर्स देखने जाते हैं, और साथ में लोग इनकी एक्टिविटीज को इंजॉय करने जाते हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ की वुमेन कैसी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, सिर्फ वो घर के काम में ही नहीं बिजी रहती, सिर्फ वो बच्चों की केयर ही नहीं करती, वुमेन अपने आप को और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखती हैं, सच एज फील्ड्स में भी वर्क करती हैं। मैंने बोला यहाँ पे समर्स में वो कुछ क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, पोटैटोस, ची पीज, फिर हम कहेंगे बीन्स, बार्ले, टर्निप, ये वाली क्रॉप्स वो समर में ग्रो करते हैं, और वुमेन ये वहाँ पे शॉप्स भी चलाती हैं। तो वुमेन यहाँ की बहुत हार्ड वर्किंग है, मोस्टली यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग ही हैं। तो यहाँ के हम कहेंगे कि जो लोग हैं ना, वो दे लर्न, चाहे यहाँ की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, बहुत चेंज हो चुकी है, ले जो है नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो चुकी है विद कश्मीर, नेशनल हाईवे से ले इज नाउ कनेक्टेड विद कश्मीर, यहाँ पे एयरवे सब कुछ है, टोटल चेंज हो चुका है लोगों का लाइफस्टाइल, बट फिर भी ये लोग प्रेफर टू लिव इन हम कहेंगे हार्मनी विद नेचर, ये लोग अभी भी प्रेफर करते हैं, ये इंजॉय करते हैं अपनी नेचर को। दे एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, फ्यूल की शॉर्टेज है, बट ये लोग जो हैं दे डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनीथिंग, वो कुछ भी वेस्ट करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे टूरिस्ट क्यों जाते हैं, आपको अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूँ व्हाई टूरिस्ट विजिट लद्दाख, तो आप कहोगे सबसे पहले तो यहाँ का क्लाइमेट एंजॉय करने जाते हैं, फिर आप कहोगे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट करती है लोगों को, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कहोगे वेरियस बुद्धिस्ट टूरिस्ट इसलिए जाते हैं बिकॉज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे, फिर लोग यहाँ पे इसलिए जाते हैं, टूरिस्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि वेरियस अट्रैक्टिव एक्टिविटीज आर सेलिब्रेटेड बाय दिस पीपल ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड टूरिस्ट विजिट टू एंजॉय दोज एक्टिविटीज, लोग उनको एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। तो इस वे से आप सारा ये बताओगे व्हाई टूरिस्ट विजिट दीज प्लेसेस, लद्दाख क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत है, क्लाइमेट
तो लोग उस ब्यूटी को एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है, तो इस वे से आप बताओगे। और यहाँ पे कौन से लोग हैं? मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ की वुमेन कैसी है, यू नो इट वेरी वेल। तो यहाँ की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, आपको फ्यू नेम्स आने चाहिए, समर में कौन सी ग्रुप्स ग्रो होती हैं, यू शुड नो। तो अभी आपको आई थिंक द होल चैप्टर इज नाउ क्लियर, लोकेशन क्लियर, ठीक। लोकेशन कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालयाज में। तो अगर ग्रेटर हिमालया में मीन्स इट इज इन हायर एल्टीट्यूड्स, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। ड्राई क्यों है? बिकॉज ये रेन शेडो एरिया में, इट लाइज इन रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे बारिश जो है सिर्फ 10 सेंटीमीटर पूरे साल में होती है बस। तो यहाँ पे समर्स में अबव 0 डिग्री ड्यूरिंग द डे एंड नाइट्स में -30 डिग्री, विंटर में तो -40 डिग्री चलता है वहाँ पे टेम्परेचर। तो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है, ड्राई सी है क्योंकि रेनफॉल ही नहीं होती। तो ऐसे क्लाइमेट में क्रॉप्स जो हैं वो फ्यू ही क्रॉप्स ग्रो होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रासेस पाए जाते हैं, यहाँ फिर हम कहेंगे श्रब्स टू ग्रेज द एनिमल्स, फिर हम कहेंगे यहाँ पे पॉपुलर एंड विलो ट्री पाए जाते हैं, फिर हम कहेंगे यहाँ पे फ्रूट ट्रीज हैं सच एज एप्रिकोट, वॉलनट्स, एप्पल। एंड इन समर्स फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन सच एज पोटैटो, पीज, फिर आपको बीन्स, बार्ले, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच टर्निप ड्यूरिंग समर सीजन। तो ये तो हो गया आपका वेजिटेशन। बर्ड्स कैसे हैं? मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर यहाँ पे एनिमल्स कैसे हैं? वाइल्ड, आपको गोट्स, वाइल्ड शीप, यॉक, ठीक है। तो यॉक का मिल्क यूज होता है वहां पे, और गोट एंड शीप से वो क्या, उनके हेयर से क्या बनाते हैं? वूलन क्लोथ्स। अब यहाँ के लोग कैसे हैं? मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। वो लोग कैसे हैं? हार्ड वर्किंग है, वुमेन भी हार्ड वर्किंग है यहाँ की। तो यहाँ पे विंटर में तो बहुत ठंड होती है, तो क्या लोग वो घरों में कैद हो जाते हैं? नो, दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन वेरियस एक्टिविटीज। वो इंजॉय करते हैं अपना विंटर सीजन बाय सेलिब्रेटिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो लोग उन एक्टिविटीज को इंजॉय करने टूरिस्ट तक जाते हैं यहाँ से, टूरिस्ट वहाँ की सीनिक ब्यूटी देखने जाते हैं, टूरिस्ट वहाँ का क्लाइमेट इंजॉय करने जाते हैं, टूरिस्ट वहाँ के ग्लेशियर्स देखने जाते हैं, बुद्धिस्ट टूरिस्ट जाते हैं टू विजिट द मोनेस्ट्रीज, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। तो फिर इस वजह से एंड टूरिस्ट वहाँ के एक्टिविटीज इंजॉय करने जाते हैं, वो जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। लद्दाख के लोग नो डाउट चेंजेस आ चुके हैं इनके लाइफ स्टाइल में। ले को कनेक्ट किया गया थ्रू जोजीला पास विद कश्मीर, चाहे चेंजेस आ चुके हैं बट दीज पीपल लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे फ्यू रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं सच एज वाटर एंड फ्यूल। नो दीज पीपल दे लर्न, अब ये जो लोग हैं ना ये हाउ टू रिजर्व द रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज, ये लोग कुछ भी वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज वैसे ही बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए दीज पीपल डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी थिंग। नो इज इट क्लियर? आई थिंक लद्दाख एंड सहारा बोथ डेजर्ट्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट।